वॉर जोन की आग इतनी बढ़क गई है कि मार्च में महाविनाश तय हो गया है। पश्चिमी देशों के विध्वंसक हथियार युद्ध के मैदान में पहुंचने वाले हैं। ज़ेलेंस्की सेना लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर प्रहार करने वाली है और यूक्रेन के टारगेट पर वही क्रीमिया है जो रूस की आन बान शान माना जाता है। ज़ेलेंस्की फोर्स सबसे पहले क्रीमिया को ही तहस नहस करने वाली है, तो सवाल यह है कि क्रीमिया पर आक्रमण का परिणाम क्या होगा, पुतिन और उनकी पलटन क्या करने वाली है, क्रेमलिन का प्लान क्या है। पूरी रिपोर्ट देखिए सीधे वॉर जोन से। क्रीमिया पर महाविस्फोट होने वाला है। रूस के कई शहर मलबे में बदलने वाले हैं। मार्च शुरू हो चुका है, अब यूक्रेन पलटवार करने जा रहा है। पश्चिमी देशों के लॉन्ग रेंज वेपन आ रहे हैं। नेटो देश ज़ेलेंस्की को फाइटर जेट दे रहे हैं। ऐलान हो चुका है, प्रमाण आ गया है, ज़ेलेंस्की सेना का विध्वंस बदला शुरू होने वाला है। यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए $400 मिलियन का पैकेज देने का ऐलान किया और इस मिलिट्री मदद में अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार भी देगा। यूक्रेन को हाईमार्स, हॉविट्ज़र और ब्रैडले के लिए गोला बारूद मिलेगा। यूक्रेनी फोर्स की मदद करने के लिए आर्मर्ड ब्रिज बिल्डर्स भी आ रहे हैं। इसके अलावा पेंटागन मिसाइलों और रॉकेट का जखीरा भी भेज रहा है। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा है कि जल्दी पश्चिमी देश यूक्रेन को फाइटर प्लेन देने वाले हैं। इसके बाद असली विध्वंस की शुरुआत हो जाएगी। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने यह ऐलान उस वक्त किया जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स की व्हाइट हाउस में अहम मीटिंग हुई। यह मुलाकात यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई और दोनों नेताओं के बीच इस बात को लेकर चर्चा हुई कि यूक्रेन को कौन कौन से और कितने हथियार देने की जरूरत है। यह भी तय हुआ कि अमेरिका और जर्मनी मिलकर हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ताकि यूक्रेन को वक्त पर जरूरी मिलिट्री मदद मिल सके। यूक्रेन ने कहा है कि हथियार डिलीवरी में जर्मनी की भूमिका बहुत अहम है। जर्मनी के हथियार युद्ध जीतने में यूक्रेन की मदद करेंगे, लेकिन जर्मनी के लेपर्ड टैंक यूक्रेन को अब तक नहीं मिल सके हैं।
टैंक डिलीवरी को लेकर जर्मनी एक बार फिर असमंजस में फंस गया है। उम्मीद है कि अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद जर्मनी जल्द ही लेपर्ड टैंक की खेप भेज देगा। नेटो देशों से जो हथियार मिल रहे हैं उससे ज़ेलेंस्की की सेना का जोश हाई है। कई वेपन तो ऐसे हैं जिसकी जद में क्रीमिया समेत रूस के कई शहर आ रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के रडार पर क्रीमिया आ गया है। ज़ेलेंस्की का टारगेट सेट हो चुका है। सबसे पहले धावा क्रीमिया पर ही बोला जाएगा। नेटो के इस प्लान से रूस हाई अलर्ट हो गया है। पुतिन पलटन क्रीमिया के सागर तट पर अभेद्य खाई खोद रही है। रूसी फौज ने क्रीमिया के चारों तरफ इस तरह के ट्रेंच इसलिए तैयार किए हैं ताकि यूक्रेनी फोर्स उसके टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स क्रीमिया में ना दाखिल हो सके। पुतिन आर्मी यूक्रेन को इससे आगे नहीं बढ़ने देगी। लेकिन ज़ेलेंस्की रूस के आन बान और शान क्रीमिया को तबाह करने के लिए किसी भी लेवल का रिस्क लेने को रेडी है। यूक्रेन को जैसे ही विध्वंसक हथियार मिलेंगे ऑपरेशन क्रीमिया शुरू हो जाएगा। अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो न्यूक्लियर युद्ध तय है। पुतिन को कोई रोक नहीं पाएगा। वो यूक्रेन का नामो निशान मिटाने के लिए परमाणु बटन दबा देंगे। इसके बाद अमेरिका समेत पूरा नेटो युद्ध के मैदान में कूद पड़ेगा। इसके बाद ऐसा सर्वनाश होगा जिसकी कल्पना भी संभव नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।